फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है ना, ठीक है, वो लाइक इसी मॉडल पे चलती हैं कि वी ऑल शुड ऑन द सेम पेज। एक चीज जो 2 करोड़ रुपए में बनती थी वो उसकी वो जाके 3-3.5 करोड़ रुपए में। व्हाट इज द की फॉर सक्सेस टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री? क्या एक ऐसी चीज है सर? ईमानदारी। हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान विद अनदर अमेजिंग गेस्ट शाहिद जट साहब, हु इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ ब्राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स, जिनका हमारे सीनियर एम्प्लॉयज ने काफी रिक्वेस्ट किया हमें कि इनको पॉडकास्ट में बुलाएं और इनके साथ जो है ना अपनी डिस्कशन करें, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि इनके रियल एस्टेट की जर्नी जो है वो कैसी रही। तो इनके साथ आज हम डिस्कशन करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट योर जर्नी इन रियल एस्टेट और करियर, आपने कैसे स्टार्ट किया रियल एस्टेट? शानूर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया एक प्लेटफॉर्म पे अपने ख्यालात का इजहार करने। तो बहुत जर्नी तो आज से 10 साल पहले स्टार्ट हुई और बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट लिया और दिन रात बड़ी मेहनत की इस काम में। अभी माशाल्लाह से मैं जो ब्राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, ये DHA लाहौर की रजिस्टर्ड जो है, हम जो है वो डीलर्स हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद DHA के भी हम जो है वो ऑथराइज डीलर हैं और पेरिया टाउन, रावलपिंडी और कराची दोनों जगह पे हम काम कर रहे हैं। राइट, ठीक। तो ये मेनली जो है आपका फोकस DHA लाहौर में है या DHA रावलपिंडी में? DHA लाहौर में बेसिकली मेरे पार्टनर्स बैठते हैं जो इसको रन कर रहे हैं। मैं मेनली जो है वो इस्लामाबाद में बैरिया और DHA दोनों जगह पे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। जी जी जी। सर, थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे बताइएगा, लाइक आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कौन सी मार्केट के अंदर आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं? मैंने बेसिकली जो स्टार्ट लिया था वो घरों की कंस्ट्रक्शन से लिया था और फिर वो छोटे घरों से बड़े होते गए और माशाल्लाह इस टाइम 5-5 कनाल के भी घर जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किए हुए हैं। उसके बाद फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं वो काफ़ी सारी बैरिया टाउन में भी और DHA इस्लामाबाद में भी जो है वो बना के अपने क्लाइंट्स को मैं डिलीवर कर चुका हूँ और माशाल्लाह सेटिस्फाइड जो हैं वो सेटिस्फाइड क्लाइंट लिस्ट है आपकी। तो मुझे ये बताइएगा कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों पर काम करते रहे? जी, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों। अच्छा, कोई अपना एक टॉप प्रोजेक्ट बताइएगा जिसकी कंस्ट्रक्शन करने में भी आपको लाइक कुछ चैलेंजेस आए हुए हों, ठीक है, और प्रोजेक्ट भी बड़ा सक्सेसफुल डिलीवर हुआ। जी शानूर साहब, अगर आप फेमिलियर हों इससे, जो बैरिया टाउन के अंदर फूड स्ट्रीट है जो बिल्कुल दरिया के ऊपर साथ जो है, बिल्कुल रिवर समार रिवर के ऊपर, वहाँ पे अभी हम कनाल के दो जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं ट्विन टावर्स के नाम से। वो मेरे क्लाइंट हैं, उनकी मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। उसमें वो क्योंकि बिल्कुल रिवर एज पे तो उसके लिए हमें जो है वो बड़ी प्रॉब्लम पेश आई, लेकिन माशाल्लाह हम उसे उसकी बेस और फाउंडेशन में काम करते हैं। तकरीबन कोई 120 फुट पाइलिंग है राइट, और बहुत ज्यादा जो है ना वो मुश्किल जगह है क्योंकि वो रिवर के बिल्कुल एज पे है और पानी उसको टकरा के जो है वो गुजरता है। तो बस चल रहा है माशाल्लाह। तो नहीं एग्जैक्टली ऐसे प्रोजेक्ट्स को जब आप डिलीवर करते हैं या उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करते हैं तो इसमें डेफिनेटली कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग। जी तकरीबन जो है 25-30% कॉस्ट जो है दूसरे प्रोजेक्ट से ज्यादा आती हाँ, ठीक है। और ये चीजें पहले आपकी लाइक डिस्कशन में आई भी होती? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हम उसका BOQ बना के देते हैं अपने क्लाइंट को, जिसको बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें हर चीज की जो है वो डिटेल्स हम देते हैं क्लाइंट को कि भाई आपके प्रोजेक्ट में ये इतना मटीरियल यूज होगा, इतनी मालियत का है, इतनी इसके ऊपर जो खर्चा है, ताकि क्लाइंट को ऑलरेडी अपनी बजटिंग करने में आसानी हो। अच्छा, कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इतने पैसों में गेट। अच्छा, और इसके अंदर एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा, डेफिनेटली उसकी पाइलिंग और ये वाली चीज़ें जो है एक्सटेंशन उनकी हो जाती है, वो एक्सटेंड हो जाती है, तो टाइम भी डेफिनेटली बिल्कुल वो है, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल में जो इस तरह के मुश्किल जगह पे होते हैं ना प्रोजेक्ट, उसको हम बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अगर वो हाँ वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो चीज़ है वो थोड़ी सी
उसको सेव करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर उसको फौरी ज़मीन से निकालना होता है बाहर ताकि कोई उस प्रॉब्लम ना आए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ ब्राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स स्ट्रेंथनिंग द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? मतलब क्या आप ऐसी समझते हैं कि मेरे पास ऐसी? देखिए जी, मैं बड़ी छोटे लेवल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और पिछले 10 साल में मैं ये स्ट्रेंथन कर सकते ब्राइट प्रॉपर्टी, या कि मैं अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जोन रशकई में काम कर रहा हूँ, ये भी इस कंट्री के लिए ही है। अभी हमने पीएफ बेस कामरा में बहुत बड़ा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है, माल ऑफ कोयटा कोयटा में जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहे हैं। जी जी, फैसलाबाद में भी टाउन डेवलपमेंट का काम हम कर रहे हैं। मतलब आपकी टीम जो है वो जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी उसके अंदर जो है वो ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो इसमें मुझे ये बताइएगा, क्या आपको चैलेंजेस आते हैं मेन, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप डीएचए इस्लामाबाद या डीएचए लाहौर की मार्केट में काम करते हैं और आपको कोयटा मेनली जाना पड़ता है या कराची वाली साइड पर डिलीवरी करनी पड़ती है, तो क्या एसओपीज में डिफरेंस आता है? डिफरेंस है असल में डिफरेंट इलाकों के हिसाब से उधर की कॉस्ट और डिफरेंट, क्योंकि किसी जगह पे बिल्डिंग किसी जगह पे बिल्डिंग मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल होता है, किसी जगह पे बहुत दूर से उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उससे कॉस्ट भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन यह है कि काम जारी बात है कि करने से फिर हमारी टीम्स जो हैं वो बिजी रहती हैं, उससे ज़रा ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन चल रही है। और मैं मतलब लाइक पर्सनली ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हुई है पिछले चंद सालों में पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे शाहनूर साहब, असल में ऐसे है कि इसको रियल स्टेट को उस तरह से वैल्यू नहीं दी जाती, अदरवाइज रियल स्टेट जो है ये इस मुल्क की इकॉनमी में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है, बहुत ज़्यादा। उसकी मेनली आप ये देखेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज आता है। उसके अलावा ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसके साथ 200 के करीब इंडस्ट्रीज जो हैं वो मुंसलिक हैं। अगर एक घर बनेगा उसमें लाइट्स भी लगेंगी, उसमें एसी भी लगेगा, उसमें पर्दे भी लगेंगे, डिफरेंट जो है डिफरेंट बिल्कुल। तो एक इंडस्ट्री सिर्फ चलने से 200 के करीब इंडस्ट्री उसके साथ जो है वो चलती है और उससे एम्प्लॉयमेंट आती है, जारी बात है कि बड़ा। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ऑफर्स आई हैं और लोग अनएम्प्लॉयड होने से बचे हैं। ऑन द अदर हैंड, हाउ डू यू सी द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट रोल जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है? करंट सिचुएशन में असल में बड़ी बदकिस्मती है कि जैसे ही हमारे मुल्क में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है साथ ही फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिस, और इन्वेस्टर जो होता है ये अपॉर्चुनिस्ट होता है, उसको जो अपॉर्चुनिटी बेहतर लगती है वो उस तरफ मूव कर जाता है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जिस टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई है, ये जो डॉलर प्राइसेस और इन्फ्लेशन हुई है, एस्केलेशन का मामला हुआ है, 7 से 8 प्रोजेक्ट हम क्लाइंट्स के बना रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो गए क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, इतना अफोर्डेबिलिटी इशू आ गया। एक चीज़ जो 2 करोड़ रुपए में बनती थी वो उसकी वो जाके 3-3.5 करोड़ रुपए में, हर क्लाइंट का एक अपना बजट, फिर बैरियर भी आ जाता है, बैरियर भी आ जाता है। जी बिल्कुल, स्टेप बैक कर जाते हैं जी जी। तो ये स्टेबिलिटी आना बड़ा ज़रूरी है और उसमें आप ये भी देखें कि एक रियल स्टेट का जो बिजनेस है इससे मुल्क में को बहुत ज़्यादा टैक्स भी कलेक्शन भी होती है, जो एक प्लॉट की ट्रांसफर पे तकरीबन 4-5 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाता है, तो गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए इस इंडस्ट्री को। एग्जैक्टली और मैं लाइक ये समझता हूँ कि इसमें आप कुछ ऑडियंस के साथ ये भी शेयर करें कि इस सिचुएशन के अंदर अभी जो करंट जो कंट्री के अंदर जितनी भी इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्ट करना कैसा है? लाइक देखिए असल में जब इस तरह के हालात होते हैं तो उस टाइम आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत मुनासिब पैसों पे मिल जाती हैं। जब मार्केट तेज़ होती है तो आप उसको फिर उस तरह से कैच नहीं कर सकते। इस टाइम पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इस टाइम मार्केट में बहुत मुनासिब कीमत पे चीज़ें मिल जाती हैं
जो आप थोड़ा सा होल्ड करके जब मार्केट बेहतर होती है तो फिर उसको। और शायद साहब लास्ट कुछ एक दो पॉडकास्ट के अंदर ये भी जिक्र हुआ है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ने ना डिस्काउंटेड ऑफर्स निकालना शुरू कर दिए, ठीक है, जो कि एंड यूजर के लिए मेरा ख्याल है एक बहुत एक सॉफ्ट एज है, ये उनको कुशन मिल गया है कि वो यहाँ पर करंटली अभी रहते हुए जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर तो लाजमी इन्वेस्ट भी करना चाहिए। एग्जैक्टली, और मैं एक आपके तवसत से एक ये भी कहना चाहूँगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि यार हम लोग अपने मुल्क के लिए बड़े हेल्पफुल हैं और हमारी कुछ वो ऐसी चीज़ भी नहीं, आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा है और आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, तो वो बड़ा अच्छा एक वो लोग अगर थोड़ा सा इसमें दोबारा से इंटरेस्ट लें तो ये मार्केट दोबारा से बड़ी अच्छी तरफ लो। और करंटली मेरा ख्याल है अभी कुछ लाइक करंट मंथ के अंदर जो है ना ये वापस वेव जो है ना अपनी जगह पे आना शुरू हुई है और लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यार ठीक है थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, तो हमें इसके अंदर बिल्कुल करें। मुझे ये बताइए कि लाइक बीइंग अ बिल्डर व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स आर द मेन फोकस, लाइक किन क्लाइंट्स को आप कहते हैं कि यार ठीक है ये इनके प्रोजेक्ट जो है ना हम। असल में शानू साहब ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस पॉइंट पे गौर नहीं करते और आप किसी भी बंदे का काम जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो उससे आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ करते हैं। आपको देखना होता है कि जो मेरा क्लाइंट है जिसके लिए मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके पास आया कि वो इतनी क्रेडिबल पर्सनैलिटी है कि ये लोगों को डिलीवर करेगा, या उस पर सोच समझ के हम वो करते हैं कि यार ये ना हो किसी वो क्योंकि उनके भी जहन में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कितनी जल्दी डिलीवरी रेट क्या है। अभी हम एक होलसम पैकेज अपने क्लाइंट को देते हैं, हम उसको प्लॉट की परचेजिंग से लेके प्रोजेक्ट बनाने तक, उसके बाद उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स, होलसम उसको एक पैकेज पूरे का पूरी जो है वो बिल्डिंग का, ठीक है। तो मुझे आप लाइक ये बताइए कि व्हाट इज द की फॉर सक्सेस टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्या एक ऐसी चीज है? सर ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर जब बन जाता है या डेवलप हो जाता है तो फिर आपको मेरे ख्याल से ऑटो पे आपका जो है बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। तो जो आप एक ट्रस्ट डेवलप करना है ना उसके लिए मेरी नज़र में ये बहुत एक की पॉइंट है हमारे रियल स्टेट के। एग्जैक्टली, ऑन द अदर हैंड आप लाइक डेफिनेटली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को मैनेज कर रहे हैं, डिफरेंट टीम्स को मैनेज कर रहे हैं, तो लाइक बीइंग अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आप क्या समझते हैं कि सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? सर उसमें देखें आप को बहुत ज्यादा जो है अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि लाइक मैं पर्सनली ये आई बिलीव कि जहां टीम वर्क होता है वहां इंडिविजुअल का वो काम परफॉर्म नहीं कर पाता वो। Exactly, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके अलावा अपनी टीम के साथ एक आपकी फ्रैंकनेस और बहुत ज्यादा बॉसी ना होना जो है ना वो भी बड़ा जरूरी है इसके लिए कि आप अपनी टीम के साथ एक फ्रैंक हो, आप उनको वो आपके लिए थोड़ा फिर एक्स्ट्रा भी काम करते हैं और ये है बड़ा आप उनको लुक आफ्टर करें। शायद साहब फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है ना, ठीक है, वो लाइक इसी मॉडल पे चलती हैं कि वी ऑल शुड ऑन द सेम पेज, ठीक है, मीटिंग हो रही है तो उसके अंदर कोई नहीं है कि यार हमारे पास सीनियर बैठे हैं, जूनियर बैठे हैं। और देखें बिजनेस में ना आपको थोड़ा सा मेंटेलिटी अपनी वो लाजमी चेंज करनी चाहिए कि मैं एज ए बिजनेस मैन आपको सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे एक और चीज बताइएगा, लाइक हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिलीवर्ड इन द मार्केट? सर तकरीबन कुछ 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो डिफरेंट क्लाइंट्स के जो है वो डिलीवर हो चुके हैं। और ये पिछले कितने सालों से? पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल से आपने 200 प्रोजेक्ट डिलीवर किए? तो उसके अलावा जो है अभी जो रनिंग चल रहे हैं वो भी इंशाल्लाह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके? तकरीबन सर 10 के करीब प्रोजेक्ट। उनमें से कोई 2-3 नाम मुझे बताइएगा। उसमें अभी हम माल ऑफ क्वेटा बना रहे हैं क्वेटा में, राइट। उसके अलावा इस्लामाबाद गोरी टाउन में एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है कोई 2 कनाल का। वो किस नाम से है सर? वो FAH हाइट्स के नाम से। FAH हाइट्स, हाँ जी हाँ जी। अभी एक इधर इंटेलेक्चुअल विलेज में बैरिया टाउन में कोई 2 कनाल का प्रोजेक्ट है कमर्शियल, वो भी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। तो इस तरह करके काफी माशाल्लाह, तो इस तरह तो माशाल्लाह काफी ज्यादा स्टेक होल्डर्स आपके साथ हैं, ऐसे ही पूरी टीम का बस अल्लाह ताला ने
जो है वो और लाइक पर्सनली मुझे लाइक आपसे बात करके मतलब बिल्कुल भी ये फील नहीं होता लाइक माशाल्लाह से आपने 200 प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर डिलीवर किए हैं। वेरी हम्बल पर्सनालिटी जी, शायद साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह से जी बड़ी हम्बल पर्सनालिटी हैं और मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं। किसी भी इन्वेस्टर का, रियल्टर का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। होपफुली इंशाल्लाह वी विल एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपकी पहचान आपका मकान।